चैप्टर नाइन पढ़ रहे थे इसका आधा पढ़े थे हम पढ़े थे कि नेगेटिव सिंपल पास्ट टेंस में हम नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे तो पास्ट टेंस में नेगेटिव कब बनता है, जब कि सारे सेंटेंस में डीटन लगता है और भिवन फॉर्म लगता है का पहला फॉर्म लगता है उसके बाद हमें पता चलता है कि ये एक सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव स्टेटमेंट है अभी देखो स्टडी द फॉलोइंग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड देयर नेगेटिव फॉर्म देखो पॉजिटिव में क्या होता है नेगेटिव फॉर्म में क्या होता है देखो नेगेटिव फॉर्म में क्या होता है डिड नॉट प्लस भी वन डिड नॉट प्लस भी वन फॉर्म लगता है डिड नॉट प्लस वी वन तो उस जगह पे पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या होता है भी टू फॉर्म लग जाता है अगर भी टू फॉर्म है तो उस जगह पे डिड नॉट लग जाता है उसके बाद भी वन फॉर्म लग जाता है तो है पास्ट टेंस का पॉजिटिव फॉर्म और पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव फॉर्म मिसा अटेंडेड द मीटिंग यस्टरडे तो अटेंडेड क्या है फॉर्म में है और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है नॉट नहीं लगाए डेड नॉट नहीं लगाए तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट ही है तो इसका नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पे अटेंडेड है भी टू फॉर्म है तो उसको हम रिप्लेस करके क्या लगाएंगे डिड नॉट लगाएंगे और ये जो है भी टू है उसका भी वन फॉर्म लिखेंगे देखो मिसा अटेंडेड द मीटिंग तो उसका नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होगा मिसा डिड नॉट अटेंड द मीटिंग यस्टरडे मिसा डिड नॉट अटेंड द मीटिंग सी द राइट कलर चूज है उसके बाद क्या होगा उस जगह पे डिड नॉट के बाद भी वन फॉर्म she did not choose the right color ऐसे ही तुम्हें सारा लिखना है नोट में देखो क्या दिया है we never use be to with the uh, auxiliary did always use only be one with did या फिर did not we can't say did not wrote we should say did not write Note में क्या बोला है देखो टू फॉर्म जब आएगा डीट क्या है एक् जुलरी है कि नहीं तो डीट में या फिर ऑक् जुले में भी टू फॉर्म नहीं लगता तो डीट के साथ भी टू फॉर्म नहीं लगेगा हर वक्त भी वन फॉर्म ही लगेगा फिर तो डिड नॉट रोड नहीं बोला जा सकता बोला जाता है डिड नाट राइट बोला जाता है रोड कभी नहीं होता क्योंकि डिड नाट लगाया रोड क्या है भी टू फॉर्म है तो ये नहीं होगा डिड नॉट राइट ये होगा उसका एक्चुअल फॉर्म